कोशिश की, उसके लिए कुछ दस्तावेज जुटाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, और वो दस्तावेज सिर्फ भारत से ही नहीं, यूरोप के भी कई देशों से लिए। धीरे 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 दस्तावेजों की संख्या लगभग 50,000 हो गई। उनका अध्ययन और अभ्यास करके मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति है और यूरोप की जो चिकित्सा पद्धति है, दोनों में काफी कुछ भिन्नता है, दोनों अलग अलग हैं। और ये भिन्नता जो है वो एक विशेष कारण से है, और वो कारण ये है कि भारत की जो प्रकृति है, भारत का जो पर्यावरण है, भारत का जो वातावरण है, वो यूरोप की प्रकृति, यूरोप के पर्यावरण और वातावरण से बिल्कुल अलग है। एक देश अगर पूर्व का है तो दूसरे पश्चिम के हैं। अगर गणित से कहें तो 180 डिग्री का अंतर है। ये जो भिन्नता है भारत में और यूरोप में, यही भिन्नता जीवन के हर क्षेत्र में है। भारत एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है। समशीतोष्ण का अर्थ होता है जहां ना ज्यादा बहुत गर्मी पड़े, ना ज्यादा बहुत सर्दी हो, ना ज्यादा बरसात हो, जो भी कुछ हो वो सब समान हो। गर्मी, सर्दी, बरसात, हेमंत, शिशिर, शरद, जो भी ऋतुएं आए, जो भी जलवायु हो, वो एक जैसी हो, समान हो, अति भी ना हो और कमी भी ना हो, ऐसे देशों को समशीतोष्ण कहा जाता है। भारत के बारे में दुनिया के सभी जो विशेषज्ञ हैं मौसम विज्ञान के, वो मानते हैं कि ये समशीतोष्ण देश है। यूरोप के बारे में सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि यूरोप में दो ही मौसम होते हैं, एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड का अर्थ है जब तापमान 0 डिग्री के आसपास हो, या 0 से लेकर 4-5 डिग्री के बीच में रहे। भयंकर ठंड का मतलब है जब तापमान 0 से नीचे हो और -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। कभी कभी तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, वहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए। अब जरा सोचिए, कोई देश ऐसे जहां पर न्यूनतम तापमान -40 हो जाए, और कोई देश ऐसा जहां का अधिकतम तापमान +50 हो जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपका शरीर जो है ना, वो तापमान के हिसाब से अपने आप को बदलता है, या शरीर की कुछ प्रणालियां ऐसी हैं जो शरीर को तापमान के हिसाब से व्यवस्थित करती रहती है। यूरोप के लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ता है, और सर्दी भी ऐसी होती है जिसमें 3-3 महीने लगातार बर्फ गिरती रहे, बर्फ सड़कों पर जमा रहे, खेतों में बर्फ पड़ी रहे, तालाबों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे, छतों पर बर्फ हो, गलियों में बर्फ हो, नालियों में बर्फ हो, हर जगह बर्फ। और वहां की सरकार का 3-4 महीने तक तो मुख्य कार्यक्रम ही ये है, बर्फ को सड़कों से हटाना। उसके लिए बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं, वो बुलडोजर रात दिन एक ही काम करते हैं। यूरोप में कभी भी आप जाएंगे तो सभी घरों में लगभग 2 दरवाजे होते हैं, एक तो सड़क पर खुलता है और एक छत पर खुलता है। ये सड़क वाला दरवाजा जब बंद हो जाता है तो छत वाला दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। कब बंद होता है? कभी कभी यूरोप में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि सड़क पर दरवाजे की कुल ऊंचाई के बराबर बर्फ जम जाती है। गाड़ियां जो होती है ना, कारें, वो बर्फ के नीचे दब जाती हैं, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, और निकल आई तो स्टार्ट होना और भी मुश्किल है। ऐसे हाल उनके हर साल होते हैं। आप थोड़ी कल्पना करो, आप तो जयपुर में रहते हो, कभी कभी जयपुर का तापमान 0 डिग्री के आसपास आ जाता है,
जब चुरू का तापमान शून्य के आसपास हो तो जयपुर भी लगभग वैसा ही हो जाता है। आप जरा सोचो क्या हाल होता है। 15 दिन तक हमारे देश में कोई काम ही नहीं होता है, कभी कभी 20 दिन हो जाते हैं। जब भारत के कुछ पूर्वी और उत्तरी इलाकों का तापमान 5 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री के आसपास आ जाए, हवाई जहाज उड़ना बंद कर देते हैं। 20-25 दिनों तक फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं या पोस्टपोन होती रहती है। इतना फॉग होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, 1 मीटर आगे का कुछ पता नहीं चलता है, गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है, हाईवे पर जाना मुश्किल हो जाता है। सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आधी से भी कम हो जाती है, स्कूल कॉलेजों की उपस्थिति घट जाती है। घरों में मैंने देखा है कि सब काम ठप पड़ जाते हैं, बस एक कोयले की अंगीठी जलाओ या हीटर जलाओ, उसके चारों तरफ बैठकर तापते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि ये ठंड कब जाए कब जाए। ये तो थोड़े समय के लिए होता है भारत में, मुश्किल से 15-20 दिन तब हमारा ये हाल हो जाता है। तो जरा यूरोप की कल्पना करो जहां महीनों महीनों यही हाल होता है। ये भिन्नता है हमारे में और यूरोप में, और ये भिन्नता किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, प्रकृति की दी हुई है, प्रकृति की पैदा की हुई भिन्नता है। एक और भिन्नता है हमारे भारत के बारे में, सारी दुनिया के मौसम विज्ञानी एक बहुत बड़ी बात करते जो शायद आप जानते हो तो अच्छा है, नहीं तो हमेशा याद रखते हैं इसको। दुनिया के सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 16 तरह की जलवायु है, 16 तरह के मौसम हैं। इनको तकनीकी भाषा में 16 क्लाइमेट जोन्स कहा जाता है। और सारे मौसम विज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में 200 देश हैं, इनमें अलग अलग ये 16 तरह की जलवायु है या 16 तरह के मौसम है, लेकिन भारत अनोखा ऐसा देश है जहां सारी की सारी 16 जलवायु एक साथ मिलती। हाँ, और भारत को छोड़ दुनिया के मौसम विज्ञानी कहते हैं कि मौसम के हिसाब से, पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से दुनिया में कोई विशेष देश है, यूनिक है, तो वो ये भारत देश है। ये क्लाइमेट जोन्स पता ही कैसे होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। एक टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री से 10 के बीच में, दूसरा मान लिया 10 से 20 के बीच में, तीसरा 20 से 30 के बीच में, चौथा फिर उसके आगे, फिर 0 के नीचे, इस तरह से फिक्स किए गए हैं क्लाइमेट जोन्स। तो सब मौसम विज्ञानी कहते हैं कि भारत में लगभग सभी तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं। और इसको मूर्त रूप में मैं कहूं, ये तो अमूर्त बात हुई, कुछ मूर्त बात अगर कहूं तो, अगर आप भारत में अफ्रीका के रेगिस्तानी जलवायु को देखना चाहें तो राजस्थान के जैसलमेर में आ जाइए, आपको अफ्रीका का रेगिस्तान वहां दिखाई दे जाएगा। अगर आप भारत में स्विट्जरलैंड की बर्फ गिरती हुई देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर में चले जाइए, उत्तरांचल में चले जाइए, आपको वो दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस भारत में धूल भरी आंधियां जो कभी चला करती हैं ब्राजील में, मैक्सिको में, साल के कुछ महीने, वो देखना चाहें तो उत्तर और मध्य भारत के बहुत सारे स्थानों पर दिखाई दे जाएंगे। जो आप भारत में भयंकर बारिश का कोई क्षेत्र देखना चाहें, जैसे अमेजन के आसपास का है लैटिन अमेरिका में, तो वो भारत में आपको कर्नाटक में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, जहां साल में 8 महीने बारिश होती रहती है। और साल के 3 महीने तो ऐसी बारिश होती है कि पानी रुकता ही नहीं है। कर्नाटक में एक इलाका है जिसको कुर्ग कहते हैं, वहां 3 महीने बारिश ऐसी होती है कि रुकेगी नहीं, हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी। ऐसा ही वातावरण ब्राजील में है, मैक्सिको में है, अमेजन नदी के आसपास के जो जंगल है ना, जिनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है दुनिया में, वो अगर भारत में देखना हो तो गोवा है, कुर्ग है कर्नाटक का,
थोड़ा बहुत इलाका हो तो चेरापूंजी चले जाओ, बंगाल आसाम के आसपास आ जाओ, और अगर भयंकर सूखे वाला देखना हो जहां साल में 2 इंच भी बारिश ना हो तो वो देखना हो तो गुजरात चले जाओ। कच्छ नाम का एक जिला है जहां मुश्किल से 2 इंच बारिश होती है। वैसे तो राजस्थान में भी कुछ जिले हैं लेकिन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए 100 साल पुराने। मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी मौसम आपको देखना है तो भारत में उपलब्ध है। मैं पिछले 7-8 वर्षों से राजस्थान आता हूं, थोड़ा माइक्रो लेवल पे मैंने देखा तो भारत के सारे मौसम राजस्थान में भी उपलब्ध है। भयंकर ठंड चुरू जिंदाबाद, भयंकर गर्मी उसके लिए भी चुरू जिंदाबाद, +50 चला जाएगा। बहुत बारिश देखनी हो तो कोटा और आसपास देख लो, बिल्कुल सूखा देखना हो तो जैसलमेर और बीकानेर की तरफ चले जाओ। माने भारत तो दुनिया में है और भारत में राजस्थान, ये है कुछ हमारे देश के बारे में अलग बात जो यूरोप में नहीं है। यूरोप में कोई 2 देश ऐसे नहीं है जहां पर एक साथ आपको सभी मौसम दिखाई दे। इसलिए यूरोप वाले कुछ मामलों में बहुत गरीब हैं और उनकी गरीबी यही है कि मौसम उनको अनुकूल नहीं मिला है। अब मौसम की प्रतिकूलता है वहां पर, भयंकर प्रतिकूलता है, उसी प्रतिकूलता में वो बेचारे हजारों साल से जिंदा हैं, तो उनको जिंदा रहने के लिए 2 तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, एक तो मौसम के साथ, जलवायु के साथ, दूसरा अपनी जिंदगी को टिकाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए। भारतवासी इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको मौसम के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता ज्यादा, यहां तो बड़ा संघर्ष जिंदगी को चलाए रखने